के साथ आज शमशा भी स्टडी में बैठ गई है। सर किसका फोन आ गया? हेलो अम्मी, आप अब्बू को लेकर जल्दी आ जाए। आप देखिए ना, नेहा क्या क्या गुल खिला रही है। आपके नाम और इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है वो। बेटा, मैं तुम्हारी फूफू बोल रही हूँ। सारी और शमशा तो स्टडी में बैठे हुए। मुझे बताओ नेहा ने क्या किया? फूफी जान आप। हाँ बेटा, मैं मुझे बताओ ना क्या हुआ है। मैं क्या बताऊँ आपको, बस ये समझ लीजिए कि मैं और नेहा इस घर में बस चंद घड़ियों की मेहमान है। जैसे यूसुफ हॉस्पिटल से वापस आएगा, मैं और नेहा तलाक का दाग सजाए घर पर होंगे। जानती है उसने क्या किया? यूसुफ को जख्मी कर दिया है उसने। ये क्या हो रहा है नेहा? अच्छा बेटा, मैं शमशा अंसारी को बताती हूँ, ठीक है? शमशा, शमशा, तुम सर, आप अम्मी अबू से कुछ मत कहिएगा, कुछ नहीं बताइएगा उन्हें। इसका मतलब है कि तुम? वो जी, फोन काफी देर से बज रहा था ना, तो मैंने कमरे का फोन उठा लिया था। सारा, ये नेहा ने क्या कर दिया? पप्पा, हम दोनों ना चल के देखते हैं, चले मेरे साथ चले। नहीं, वो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देगी। मुझे शमशा और अंसारी को बताना है ये। पप्पा, चल कर देखने में क्या हर्ज है? अगर खुदा ना खासा बात बढ़ गई होगी फिर देखा जाएगा, अभी तो चले ना। हम क्या क्या के जाएंगे यहाँ से, 9:30 बज रहे हैं रात के। हम खामोशी से चलते हैं। सारा, पप्पा मैं जाके फैसल को कह देती हूँ। लेकिन मैं कहूंगी क्या? हाँ क्या कहोगी बताओ। ठीक है, तुम ये कह देना कि मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझे बराबर में क्लिनिक में दिखाने ले जा रही हो। ठीक है? ठीक है। जाओ तुम उसको बताओ और मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकाले। नाबा जी फोन उठा रहे हैं और ना ही अहमद। बीबी, क्या फिसलने से इतना खून निकलता है? ये तो ऐसा लग रहा है किसी डाकू ने हमला किया है या फिर बकरा जिबा हुआ है। डाकू ने नहीं, ऐसा लग रहा है डाकू पे हमला हुआ। सुग्रा, तुम जाओ, हो गया साफ, दरवाजा बंद करके जाना। ये भी उठाओ। क्या जरूरत है नौकर के सामने अपने शौहर के बारे में इस तरह के लफ्ज बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? पुलिस आएगी ना तो सीधी तरह से अपना बयान रिकॉर्ड करवाना। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? कसूर मेरा है तो सजा भी मैं काट लूंगी। अच्छा है, जेल चली जाऊं, कम से कम यहाँ से तो रिहाई मिलेगी। अम्मी अबू आएंगे ना तब पता चलेगा सजा क्या होती है और रिहाई किसे कहते हैं। दादी जान, कोई फोन आया? कसमा नु खाए फोन, मैंने दस्ते सही होया की है। मैं क्या बताऊं आपको, आपका यूसुफ आएगा तो उससे पूछ लीजिएगा। दस मैनू, मैनू लगता है तू कुछ लुका रही है मेरे कोलो। दादी जान मैं बताती हूँ, मैं जब कमरे में आई तो यूसुफ बाहर निकला और यहाँ आके बेहोश हो गया। तो आप एक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बात ना ही। नहीं नहीं दादीशान, मैं तुम जाओ ना अम्मी अबू को फोन करके बताओ, जाओ। मुझे तो तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। दादीशान अभी तक कोई खबर जो नहीं आई। अल्लाह खैर सल्ला, मेरा यूसुफ बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह ताला चंगी खबर आएगी। नेहा क्या हुआ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो दादीशान, बैठो इधर, बैठ जाओ। कुछ नहीं होता है यूसुफ को, देखो रोना नहीं। हाँ मैं जुलेखा को कहती हूँ कि सलामों का वर्ड करे, तुम दोनों भी उधर ही आ जाना, ठीक है? नेहा मुंह बंद रखना अपना।
कैसे हो? मीना बात कर रही हूँ। ओ हाय मीना, क्या हाल है? टीना और आंटी कैसी हैं? टीना का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, लेकिन जब भी आती है ना कुछ ले जाती है साथ। क्या मतलब है टीना? आयास मामा बहुत परेशान है। प्लीज तुम चंद दिनों के लिए लंदन आ जाओ। अब वो मैं कैसे आ सकता हूँ? एक्चुअली वो सोच रही है कि हम टीना की वजह से लंदन रुके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रास्ता बदल लूंगा, यही कहना चाहती हूँ। अगर ऐसा हो गया ना आयास, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, ओके, काम डाउन। तुम ऐसा करो कि मेरी आंटी से बात करो, बल्कि छोड़ो, तुम फोन डिस्कनेक्ट करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, ओके बाय। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। Pick it up. कुछ तो ख्याल करो टीना, ये डायमंड का सेट भी तुम जाकर उस पीटर की अय्याशियों की नजर करना चाहती हो। सब कुछ ले जाओगी तो मैं क्या देकर मीना को रुखसत करूंगी? मीना को देने के लिए अपने ऑलरेडी बहुत कुछ रखा हुआ, और ये डायमंड सेट पापा ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। जो कुछ तुम्हारा था ना, तुम ऑलरेडी ले जा चुकी हो, ये मैं तुम्हें हरगिज नहीं ले जाने दूंगी, छोड़ो इसे। ना ले जाने दे मुझे, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, एंड देन यू विल गो टू जेल। यकीनन तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि जो अपने दिल और मजहब को दांव पे लगा सकता है ना, वो अपने बॉम को जेल भी करवा सकता है। जस्ट शट अप। व्हाट, तुमने मुझे बोला? यस। नफरत तो मुझे तुम जैसी लड़कियों से होती है, जो अपने माँ बाप की इज्जत को तो रोनती है, साथ साथ अपने दीन और मजहब को भी दांव पे लगा देती है। टीना चली जाओ यहाँ से, वरना अब मैं पुलिस को कॉल करूंगी कि तुम यहाँ रॉबरी के लिए आई हो। ओके ओके फाइन, आई एम गोइंग, मगर ये याद रखना कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। माय डियर मॉम, टेक केयर। गेट अप। मॉम, हम भूल जाए उसे, अब वो इंसानी जानवर बन चुकी है, जाने दे उसे। कैसे भूल जाऊं मैं उसे, बेटी है वो मेरी, मैं कैसे उसे उस पीटर के हवाले कर चली जाऊं? बेटा मुझे बताओ, टीना वापस आएगी ना? आएगी ना मेरी टीना वापस? अच्छा आप बैठी सोई नहीं, प्लीज। अच्छा पापा, आपा, सारा, आपा को देखा कहाँ है? शायद जारा के साथ कहीं गई है बाहर। जारा के साथ कहाँ गई है? ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है फैसल भाई को पता। अम्मी, वो जारा पप्पो के साथ करीम क्लिनिक गई है। खैरियत तो है, पप्पी का बीपी ना शूट करके अब। अच्छा मैं खाना लगा। नहीं नहीं आपा को आने दो, तुम जारा को फोन करके पता करो सब ठीक तो है। वो अपना फोन नहीं लेके गई, मैं कमरे में भूल गई है शायद जल्दी में। ऐसी क्या इमरजेंसी थी, बता के भी नहीं गई। खैर खाना मापा के आने के बाद ही खाएंगे, ठीक है? क्या घर में किसी को नहीं पता था इसका? वो भी जाना, अगर किसी को मालूम होता तो मैं और नेहा आप यहाँ थोड़ी होती। नेहा को आखिर वो क्या गया, कोई आसेब तो नहीं चढ़ गया उसके ऊपर? अरे वो खुद आसेब है, उसकी कोई क्या आसेब चढ़ेगा? अब कल को यूसुफ उसके हाथ में तलाकनामा दे देगा तो आसेब खुद खुद उतर जाएगा। क्या हो गया पप्पू, अल्लाह ना करे। बेटा देखना ऐसे ही होगा, कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसको मारे, उसका सर फोड़े। मेरे ख्याल में तो मुझे शमसा और अंसारी को बता देना चाहिए था। नहीं पप्पू, अब वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हाँ ये भी है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो शुक्र है किसी ने देखा नहीं हमें।
वरना वो पूछ दे कि हम दोनों रात को 10 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आप परेशान ना हो बेजान, आप नेहा को अपने साथ ले जाएं प्लीज। कैसे ले जाएं बेटा, वहां जाकर हम क्या कहेंगे कि मैं और जारा नेहा को क्यों लेकर आए। देखो सबा, मैं और पप्पू ना घर पे कुछ बता कर नहीं आई किसी को, मैं नेहा से बात करती हूँ जाके। नहीं तुम रहने, मुझे बात करना। सबा तुम तो खुद को संभालो। मैं कैसे खुद को संभालू, नेहा मेरी बहन अपने हाथों से मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई। थोड़ी देर में अहमद आते ही होंगे और जानती हो ना कि क्या होगा। देखो सबा, अगर नेहा ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, उसने इनकार की आखिरी हदूद तक पार कर ली थी घर छोड़कर, तो तुम लोगों को उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम ये बात जानती थी? हाँ मैं जानती हूँ कि नेहा शादी से पहले घर छोड़कर चली गई थी। सारा तुम प्लीज ये बात किसी से मत कहना। क्या हो गया सबा? नेहा मेरी इज्जत है, मेरे शोहर की इज्जत है नेहा, लेकिन नेहा ने बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें बेगुनाही की सजा मिली ना, तो फैसल मुझे भी मेरे नाकर्दा जुर्म की सजा देंगे। फैसल और हमाद तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और हमारे साथ साथ सारा भी उजड़ जाएगी। नहीं सारा, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ यूसुफ के हॉस्पिटल से आने का वेट कर रही हूँ। बाप मर जाएगा, माँ पागल हो जाएगी, जब सब कुछ सुनेगी तो ये कि तुझे तलाक हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आबाद ही कब थी पप्पो, बर्बाद करके तो भेजा था आप लोगों ने मुझे यहाँ। अगर यू ही आना था तो अपने आप को और हमें जलील कर वापस क्यों लौटी, वही मर जाती, दफन हो जाती वही। तुम्हारा जनाजा आता ना तो हम रो धो कर बैठ जाते, यू रुसो होकर न मरते। तो मुझे बताए मैं क्या करूँ, घिन आती है मुझे यूसुफ से, वो जब भी मेरे करीब आता है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। चुप हो जाओ, खबरदार जो एक लफ्ज़ और बोला, शौहर है तुम्हारा। नहीं मानती मैं उसे अपना शौहर, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे, मेरी बला से मर जाए वो। गला दबा दूंगी तुम्हारा मैं, तुम्हें तुम्हारी जहन समेत दफन कर दूंगी मैं, तुम्हारी बेटी नहीं हो, नासूर हो जो हमें लग गया है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, क्यों मार रही है इसे, कब आई तू? बस परवीन, तुम नहीं जानती। अरे क्या नहीं जानती, क्यों मार रही मेरी नूह को, और नेहा क्या हो रहा है ये? खुद ही पूछिए इनसे, इनका दावा है ना कभी झूठ नहीं बोलती, बता देंगी सब कुछ सच सच आपको। चुप कर जा, ज्यादा बकवास नहीं कर। है सफिया, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्यों इतना बोल रही है उसे, भाई मेरी नूह है, किस्सा क्या है मुझे बता तो सही। परवीन आप नहीं जानती। अरे क्या नहीं जानती भाई, कोई पैसे का लेन देन है तो घर ले जाकर मार, मेरी नूह है, देखना यूसुफ की वजह से कितनी परेशान है, पीला रंग हो गया इसका। पुत्र तू आराम कर, चला मेरे साथ चाय शापी। अरे हुपी और पियो ना एक जैसे होते हैं, बुरा नहीं मानते होते। तौबा है, तेरा तो जुलेखा का गुस्सा अल्लाह माफ करे। थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा पप्पू। चलो भी, मैं ना कमरे में या सलामों की तस्बीह पढ़ रही थी, तुम तो आंधी और तूफान बनकर आ गई। भाई पानी ले आ। ये तो बता होया कि ये? भाई मुझे सबा का फोन आया था, मैंने यूसुफ का सुना, उसको देखने चली आई। आहा, तो मेरे को लाना सी ना, दुआ कर मेरा पुत्र ना गुसलखाने में फिसल गया है। जारा
तू भी आई सी? वालेकुम सलाम। ते मेरे कोल आके सलाम नहीं करनी सी है? दादी जी क्या समझाऊं आपको, मैंने तो जैसे ये सुना मैं तो सीधी सभा के पास चली गई। सभा दे कोल ना, तेनू ते नया कोल आना सी, सभा कोल क्यों चली गई? माँ जी ये अंदर की बातें होती होती हैं, आपको मासूम को भला क्या पता हो किसी बात का, ऐसे पूछते रहती हैं क्या है क्या है। लायक क्या हाल है? मैं ठीक है, ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। सबा तेनू की जरूरत सी भाई घर वालों को फोन करके परेशान करने की? अल्लाह खैर सर रखे, यूसुफ नु सट्टी लगी ना, पट्टियां करा के अभी आ जाएगा। सबा को मैंने फोन किया था तो उसने जिक्र कर दिया। तुम दोनों बगैर मर्द के अकेली आई हो हैं? कैसे परेशान ना हूँ मैं, आपा बिल्कुल ठीक थी, यूं अचानक डॉक्टर के पास जाना, उनके तो सर में भी दर्द होता है तो वो कोई दवाई नहीं लेती जो शांदा पी लेती है। मुझे तो लगता है कि सबा अपनी तकलीफ छुपाने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। शौहर की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए और आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आपा आप तो नेहा को इस तरह खबरदार कर रही हैं जैसे ये हादसा नेहा की वजह से हुआ। अरे नहीं अम्मी जी, चोट लगना तो मेरी किस्मत में थी, नेहा तो इस पे मरहम का काम कर